सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। जैसा हमको पता है कि लुधियाना एक ऐसा शहर है, ऐसा जिला है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी माइग्रेंट लेबर यहाँ पे काम करती है। पिछले लॉकडाउन में काफ़ी इंडस्ट्रियाँ वगैरह जो हैं वो बंद हो गई थी, काफ़ी लोगों का काम वगैरह जो है बंद हो गया था। हालांकि अब पिछले कुछ समय में काफ़ी इंडस्ट्रियों को हमने खोल भी दिया है जो कि गवर्नमेंट की हिदायतों के अनुसार थी, लेकिन फिर भी लोगों का विचार था कि उनको अपने घर परिवार को मिलना है, वहाँ पर जाना है, तो उसके लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है चालू किया था। लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर कराई है, जिसके बेसिस पे हम कंसर्न्ड स्टेट से डिमांड करते हैं कि हमको परमिशन दी जाए यहाँ से लोगों को भेजने की। जैसे जैसे हमको परमिशन आती जा रही है, हम लोगों को ट्रेन अरेंज करके उनको उनके स्टेट्स को भेजे जा रहे हैं। अब तक पिछले 3 दिन में 8 ट्रेनें जो हैं वो अब तक जा चुकी हैं और 9वीं ट्रेन की इस समय बोर्डिंग का काम जो है वो चल रहा है। इसमें हमने बहुत अच्छा सिस्टम ये बनाया हुआ है कि लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, तो उनको हम एक मैसेज भेज देते हैं जिन्होंने हमको रजिस्ट्रेशन करवाया है कि आपकी ट्रेन जो है वो इतनी तारीख को इतने बजे जाने वाली है, तो आप काइंडली अपने पिकअप पॉइंट तक इतने बजे तक पहुंच जाइए। और ये पिकअप पॉइंट जो हैं वो हमने उनके घरों के बिल्कुल आसपास ही रखे हुए हैं, जैसे कि उनको ज़्यादा चलना फिरना ना पड़े। और उसके बाद उनको उस पिकअप पॉइंट से हम लोग बसों के थ्रू जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई की गई हैं उन बसों में बिठा के सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक अपना जो ये सेंटर बनाया हुआ है गुरु नानक स्टेडियम में, वहाँ पे उनको ले आया जाता है। रास्ते में ही उनको एक प्री प्रिंटेड मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट की कॉपी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कि उनको साइट पे पहुंचने के बाद किसी तरह की दिक्कत ना आए। यहाँ पे फिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो हमने लगाया हुआ है जो उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं, वो उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद उनको सर्टिफिकेट जो है जारी कर देते हैं, और साथ ही साथ उनको रेलवे की टिकट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके लिए उनसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं किया जा रहा है। इसके बाद स्टेडियम से जो बिल्कुल रेलवे स्टेशन पास है, इसके बीच में हमने एक प्रॉपर रूट बनाया हुआ है। इस रूट के थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक सारे लोग जो हैं रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में ही हम उनको खाने का पैकेट और 2 लीटर की पानी की बोतल भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको दी जा रही है। और उसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट उनको अपने कोचेज के हिसाब से 54-54 का या 60-60 का, जैसा भी उनका कोच का साइज़ है, उसके हिसाब से उनको बिठा के और सारे के सारे ट्रेन भरने के बाद उन लोगों को फिर भेज दिया जाता है। अब तक तकरीबन इन 8 ट्रेनों में हम लोग करीब 12,000 लोगों को लुधियाना से उनके अपने गंतव्य स्टेशनों तक भेज चुके हैं। और इस समय लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो एफर्ट्स हमने किए हैं उसे सिस्टम को थोड़ा सा स्मूथ भी किया है। 4 ट्रेनें जो हैं इस समय हम लोग लुधियाना से डेली भेज रहे हैं। कल भी हमने 4 ट्रेन भेजी थी, आज भी हमने 4 ट्रेन भेजी हैं, और अगर सिस्टम और अच्छा हो सका तो हम इन ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने के बारे में भी विचार करेंगे।